लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल। जनपद बलिया के रसड़ा नगर में वार्ड नंबर 3 के सभासद द्वारा अपने राशन कार्ड में फर्जी तरीके से वार्ड के लोगों का नाम जोड़कर राशन उठाया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों से न्याय ना मिलता देख पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। नगर के वार्ड नंबर 3 के सभासद जहांगीर के पत्नी शकीला खातून के नाम पर 8 आदमी का राशन कार्ड 11-93-10-03-72-77 है। इस राशन कार्ड में इसी वार्ड के मोहम्मद इसराइल के 3 पुत्र इमरान ईरानी और आयान का नाम दर्ज है। अजीब इत्तेफाक है कि उसमें एक पुत्री के नाम पर सोनम राजभर का नाम भी दर्ज है। सभासद द्वारा 8 व्यक्तियों का राशन उठाया जाता है जबकि उनके 3 ही पुत्र हैं और परिवार रजिस्टर में भी सभासद की पत्नी का नाम शकीला खातून, पुत्र मुजम्मिल एवं रेहान रजा है। सभासद द्वारा दबंगई के बल पर राशन कार्ड में फर्जी तरीके से वार्ड के लोगों का नाम जोड़कर राशन उठाया जा रहा है जबकि राशन कार्ड में उनके पुत्रों का नाम दर्ज नहीं है, केवल बाहरी लोगों का ही नाम दर्ज है। पीड़ित व्यक्ति इसराइल द्वारा शिकायत करने पर सभासद द्वारा धमकी भी दी जाती है। 7 पुत्रों वाला पीड़ित इसराइल के पुत्र का नाम सभासद के कार्ड में नाम दर्ज होने से मात्र 2 यूनिट का ही राशन लेने पर विवश है। संबंधित अधिकारी से न्याय न मिलता देख पीड़ित ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आरएन लाइव न्यूज चैनल ने अपनी पहली वर्षगांठ बुधवार को बड़ी धूमधाम से मनाई। इस समारोह की शुरुआत भाजपा के सभासद वीरू भाई ने केक काटकर की। पहली वर्षगांठ के मौके पर आरएन लाइव न्यूज चैनल के डायरेक्टर राज जायसवाल ने कहा कि हमने एक उम्मीद के साथ इस चैनल की शुरुआत एक विश्वास और भरोसेमंद खबरों के साथ की और यह पहला साल हमारे लिए सफलता से भरपूर रहा। वही खबरों के साथ चैनल ने भारत के बदलते खबर और मनोरंजन जगत में अपनी अलग जगह बना ली है। राज जायसवाल ने यह कहा कि आर्यन लाइव न्यूज पत्रकारिता और दर्शकों से जुड़े मुद्दों को एक सही मुकाम तक पहुंचाना चाहता है। हम दर्शकों के प्रति और सतर्क हुए हैं और हमेशा उन्हें वह न्यूज देते रहेंगे जिस पर दर्शक विश्वास कर सकें। वर्षगांठ कार्यक्रम में मौजूद विजय गुप्ता, समीर नकवी, आशीष कुमार, इमरान आजमी, उमेश जुबेर, अहमद कुमार, नंदन पाठक, कुणाल आहूजा, रानी यादव व रागनी जी मौजूद रहीं। सभी ने ताली बजाकर आरएन लाइव न्यूज़ का स्वागत किया। वहीं हमारे एडिटर इन चीफ राज जायसवाल ने सभी पत्रकारों का धन्यवाद किया। उत्तर प्रदेश निवासियों के स्वास्थ्य और प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज टीम 11 के साथ यह बैठक लोक भवन लखनऊ में सम्पन्न हुई। लखनऊ से लाइव टीवी एक्सप्रेस ब्यूरो सत्तार खान की रिपोर्ट।